शिक्षक का महत्व। एक बार डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने सहयोगी सृजन पाल सिंह से कहा, तुम युवा हो, शिक्षित हो, ये बताओ कि तुम स्वयं को किस प्रकार से याद किया जाना चाहते हो। डॉक्टर कलाम का यह प्रश्न सुनकर सृजन पाल स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा कि अभी तो उन्होंने अपने जीवन में कुछ विशेष उपलब्धियां प्राप्त नहीं की है जिन्हें पूरा राष्ट्र अथवा विश्व याद रख सके। सृजन पाल को असमंजस की स्थिति में देखकर डॉक्टर कलाम बोले, क्या हुआ, यह बताने में तुम इतना समय क्यों ले रहे हो? भाई, तुम्हें अभी तक के अपने कार्यकाल में जो भी उल्लेखनीय व बढ़िया कार्य लगा हो वही बता दो। सृजन पाल ने विनम्रतापूर्वक कहा, सर, जीवन में अभी सर्वोत्तम करना शेष है। दूसरे, मैंने तो अभी तक ऐसी कोई विशेष उपलब्धि पाई भी नहीं है। ऐसे में कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं आपके प्रश्न का क्या उत्तर दूं। डॉक्टर कलाम बोले, चलो ये बताओ, तुम अपनी उपलब्धियों के कारण याद किए जाना चाहते हो या अपने कार्य के माध्यम से? सृजन पाल ने कहा, दोनों कारणों से सर, लेकिन कृपया आप बताइए, आप स्वयं को किस रूप में याद किया जाना चाहते हैं? राष्ट्रपति, वैज्ञानिक, लेखक या मिसाइल मैन? अपने प्रश्न के बाद सृजन पाल डॉक्टर कलाम की ओर देख ही रहे थे कि वह बोले, मैं तो चाहूँगा कि लोग मुझे एक शिक्षक के रूप में याद रखें। एक शिक्षक ही ऐसा व्यक्ति होता है जो बच्चे को शिल्पकार की तरह तराश कर उसे जीवन में सफल बनाता है। इसलिए मैं प्रयास करूँगा कि लोग मुझे शिक्षक के रूप में ही जाने। ये सुनकर सृजन पाल डॉक्टर कलाम के आगे नतमस्तक हो गए और बोले, सर, आप मेरे भी शिक्षक हैं, मैं आजीवन आपकी इन बातों को याद रखूंगा।